स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19। तो देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000। यानी सुब्बा राव ने 1995 में काम स्टार्ट किया था विथ एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 पर ईयर ईच ईयर। यानी उनको जो इंक्रीमेंट मिला, हर साल उनका जो सैलरी था वो ₹200 बढ़ते गया। देन इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000। तो किस साल में जो उनका सैलरी होगा, इनकम होगा, वो 7,000 को टच करेगा। तो इस क्वेश्चन को हम जो लैंग्वेज के फॉर्मेट में, हम इसको मैथमेटिकल फॉर्मेट में लेके आते हैं। तो यहाँ हमें गिवन है कि जो ए है, यानी जो फर्स्ट सैलरी था उसको हम लोग ए मानेंगे, जो कि था 5,000। देन जो इंक्रीमेंट हो रहा था वो इसका कॉमन डिफरेंस था, जो है 200। एंड जिस ईयर एंड जो लास्ट जून का सैलरी बताया था, जो कि होगा लास्ट जून का सैलरी, वो है 7,000। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि किस ईयर में इनका सैलरी 7,000 होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एन निकालना होगा। तो एन निकालने के लिए हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो एज वी नो, ए एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। तो इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो एन के जगह पर रखेंगे 7,000 इक्वल्स ए के जगह पर रखेंगे 5,000 प्लस एन को एन रहने देते हैं एंड डी के जगह पर रखते हैं 200। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 7,000 माइनस 5,000 होगा, तो 2,000 आएगा। एंड इस 200 को हम लोग डिवाइड में ले लेते हैं, इक्वल्स एन माइनस वन। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 10। यानी जो एन का वैल्यू आएगा वो आएगा 11। यानी कि 11 साल बाद जो उनका सैलरी होगा वो 7,000 हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग 11 साल देख लेते हैं। तो सबसे पहले उनने काम स्टार्ट किया था 1995 में, उससे 11 साल, यानी उसमें 11 जोड़ देंगे। तो 11 जोड़ने के बाद जो ईयर आएगा वो आएगा 2006। यानी कि इन ईयर 2006 हिज सैलरी विल बी 7,000। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।